तो हेलो नमस्कार बोलो तो मेरा नाम है सौरभ कड़े और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। और आज आप लोगों को डीपी क्या चीज़ है आप लोगों को पता चलेगा, इसकी डीपी कितनी खतरनाक गन है। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो गाइज। ठीक है तो चिकन डिनर गेम प्ले गाइज एंड बढ़िया बिल्कुल 16 किल किया हो बढ़िया मक्खन। तो जॉर्जियो पुल पे आया हो गाइज और डीपी आते ही डीपी मिल गई है एंड आते ही हम लोग चालू होने वाले हैं। तो यार बस सब्सक्राइब कर लेना, रात के 1 बजे हैं, रात के 1 बजे अभी, और रात के 1 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो यार बस लाइक तो बनता ही है, लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दो। सो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैं उतर गया सिंपली एंड उतरते ही मेरे को गन मिल गया एंड वो बेचारे गन ढूंढते ही रह गए। तो ये थी, तो यहाँ पे मेरी किस्मत तो अच्छी थी तो मैंने यहाँ पे दोनों को किल दिया एंड यहाँ पे उनका दोनों का स्कॉट खत्म एंड एक जो बंदा था वो दूसरे टीम का था तो उसे भी हम लोग पेल देंगे, मतलब पेल दिया है और उसे अभी किल उसका कंफर्म करना है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ उसको कंफर्म करने के लिए एंड वो देखो वहाँ पे वो मुझे दिख चुका है, बढ़िया रेंगते रेंगते जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलो ये तो हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे मतलब कोई मुश्किल ही नहीं आई ये 3 किल करने में। तो यहाँ पे मेरे को जॉर्ज पुल पे बढ़िया निहत्ते 3 किल मिल चुके हैं एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया एंड ऊपर की तरफ आते ही मैंने गन वन रिलोड कर ली एंड यहाँ पे एक बंदा जो है तो वो बढ़िया उधर लूटने की कोशिश कर रहा था तो उसे भी हम लोगों ने दे दिया। तो यहाँ पे हमारे 4 किल तो बहुत ही आसानी से हो गए एंड वहाँ से मैंने पूरा राइट फ्लैंक मारा क्योंकि इधर से गोलियों की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने पूरा राइट फ्लैंक मारा एंड देखो बूम मेरे को दिख गए 2 बंदे जो कि बिना कवर में थे और बस पेल दिया। अब कवर में नहीं होगे तो लो खाओ अभी। और इसी बीच हमारे बीच में एक आ चुका है गाइस बॉट। अगर वहाँ पे अगर हल्का सा गेम अगर लैग नहीं होता ना तो मैंने वहीं पे उनको 2 पेल दे रहे थे, ठीक है। पर यार गेम लैग हो गया, अब ये तो हमारी हर वक्त कंडीशन ही है, गेम तो लैग हमारा होना ही है तो अब उसे तो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब वो एक बंदा देखो बढ़िया दिख रहा है एंड हम लोगों ने उसे भी अभी पेल दिया। तो बढ़िया यहाँ पे हमारे 7 किल हो चुके हैं इन द जॉर्जो पूल, वो भी बिल्कुल आसानी से, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आई हमें ना, हमें एक बुलेट तक नहीं पड़ी अब तक। ओह बॉट ने मारी वो अलग है बोलना, पर रियल बंदे के हाथ की एक गोली तक नहीं पड़ी एंड ये देखो बस 8वां भी किल बिना गोली खाए हुए। मतलब जॉर्जो पुल मैंने ये वाला पूरा खाली किया किसी भी रियल बंदे की गोली ना खाते हुए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे ड्रॉप पे। तो यार अभी तक वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो ये देखो अब लोग अब मैं जा रहा हूँ गाइज ड्रॉप पे, तो चलते हैं ड्रॉप पे देखते हैं क्या सीन होता है। तो ड्रॉप पे अलग ही सीन होने वाला है तो आप लोगों को पता चलेगा ही, तो चलते हैं देखते हैं। सो देखो जैसे कि मेरे को यहाँ पे सामने में एक गाड़ी जाती हुई दिखी तो मुझे लगे कि उनको भी मैं दिख चुका हूँ तो मैं यहाँ पे आके प्रोन हुआ हूँ। तो बस उन लोगों ने जैसे मुझे पता चला कि उन लोगों को मैं नहीं दिखा हूँ तो बस मैंने सोचा कि चलो अब इन्हें इनको देते हैं, ये बढ़िया लूटने जाएंगे। और ये मैंने वही गलती की, ये बढ़िया बिना सोच के लूटने गए एंड इसे दे दिया हम। तो इसका एक बंदा तो कंफर्म कर दिया एंड हम लोग अब करेंगे इसका सेकंड बंदा कंफर्म। तो मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि वो 2 थे या 1 थे क्योंकि मुझे तो बस गाड़ी दिखी थी, बंदे नहीं दिखे थे। तो मुझे लगा इसका एक टीममेट दूसरे किधर तो भी है। तो बस मैं गाड़ी लेके घुस गया, बढ़िया यहाँ पे लूटूंगा बोला मज़ेदार, उसकी नकदी लूट लूंगा, AWM मिले तो AWM भी लूंगा। तो देखता हूँ यहाँ पे मैं बढ़िया ढूंढ रहा हूँ कि बस मुझे डर था कि वो बंदा नॉक हुआ है एंड उसका टीममेट इधर ही किधर ही होगा। तो बस चलो मैं यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ, तो स्मोक के बीच में अचानक से मेरे हाथ में बम आ जाते तो अच्छा होगा, मैंने बम नहीं कर दिया नहीं तो बस कंटेंट हो जाता हमारा ख़राब एंड हमें फिर से खेलना पड़ता। तो यहाँ पे बढ़िया एटेक्स वेटेक्स मिल गया मेरे को, पर ओम नहीं थी इसके पास तो बेकार काम था। इसमें ड्रॉप पे सिर्फ ग्रोज आई एंड उसी बीच में गाइज मेरे पे वो बंदे ने जो है तो बॉम्ब डाल दिया गाइज, ठीक है। एंड वो बॉम्ब उसने सही डाला था पर जो जो वहाँ पे जगह थी वो थी गाइज उतरती हुई, तो उतरती हुई जगह पे वो बॉम्ब और ही उतर गया नीचे। तो उसी के कारण मैं जो कि वहाँ पे बच गया हूँ गाइस, ठीक है। तो यार वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ आएगी क्योंकि मैं अभी आधी नींद में हूँ क्योंकि ये रात का 1 बज रहा है एंड मैं अभी आधी नींद में हूँ तो कॉलेज वॉलेज करके थक जाता है यार बंदे, तो समझा करो। तो बस लाइक कर देना और बस मैं वहाँ से निकल लिया एंड बच गया जैसे तैसे। जैसे मैं बच गया वैसे ही मैंने देखा कि अब तो यार बहुत ही रिस्क ले ली थी मैंने और बंदे की मतलब बंदे की कुछ गलती नहीं थी इसमें, इसमें उसकी किस्मत ही ख़राब थी क्योंकि वहाँ पे बढ़िया स्लाइडेड जगह थी एंड वो निकल गया एंड बंदा बढ़िया धीरे धीरे जा रहा था ड्रॉप लूटने। तो भाई धीरे धीरे क्यों जा रहा है, तो हमने उसे भी पेल दिया एंड उसे पेल देने के बाद बस हम लोग वहाँ से आगे जोन में। एंड जोन में आने के बाद देखो यार मैं बिल्कुल भी जोन के एजेस पे खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना तुम लोग,
तो जोन के एजेस में खेलो और बंदे पे लो। और ये देखो सामने की तरफ बंदे थे एंड मैंने वहाँ से देख लिया था उन्हें कि यहाँ पे बंदे हैं, तो मैंने आके यहाँ पे कहाँ पे थे अब ये तो मुझे पता नहीं है क्योंकि वो तो उस जगह दूर है और वो लोग थे इधर ही किधर घूम रहे। तो मैंने सोचा कि नहीं हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें पहले स्काउट करना चाहिए पूरा एरिया कौन बंदे कहाँ पे है करके। तो बस अब देखना यहाँ पे एंड में, देखना एंड में देखो ये वाले सबसे आखिरकार में, ये देखो यहाँ पे हल्की सी बंदे की आवाज़ आ रही होगी तुम्हें। एंड जैसे मेरी यहाँ पे आवाज़ आई बंदे की वैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी रोक लिया एंड वो बंदे नहीं था बंदी थी, देखना उसका नाम देखना। एंड यहाँ पे ये देखो वहाँ पे बढ़िया बंदी हम पे नेट करने की कोशिश कर रही थी, उसके बीच उसका एक बंदा यहाँ पे सामने के आ रहा था, ये वही है लड़की के पीछे घूमने वाले बंदे। और बस चक्कर ही काटते रहे बेटा तू, और बस दे दिया इन्हें, तो इन दोनों को बढ़िया दे दिया, बहुत ही आसानी से दे दिया। एंड इन्हें दे देने के बाद बस मेरे ऊपर जोन चालू हो गया, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ रेड चालू हो गया है। सो हम लोगों को अभी जोन में जाना पड़ेगा, लूटने का भी ज़्यादा मौका नहीं मिला। और तो चलते हैं, एंड जोन में आने के बाद गैस में जोन में आया एंड आते ही मैं प्रोन हो गया यहाँ पे, बढ़िया जोन में आया एंड प्रोन हुआ। एजेस ऑफ द जोन ऑलवेज प्ले एजेस ऑफ द जोन, एंड मैं प्रोन होकर मेरे को सामने वाले बंदे जो है तो दिख रहे थे तो मैं उन्हें मारने की कोशिश करूंगा पर मार नहीं पाया वहाँ पे। तो वहाँ पे अब उन्हें तो मैं स्पॉट हो चुका था कि मैं यहाँ पे प्रोन हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी प्रोन होने से कोई मतलब नहीं है तो उठ जाओ और सामना करो। एंड वैसे वो सामने के बंदा दूसरे की तरफ भी एम दे रहा था एंड वैसे ही मैंने उसे कुछ हिट दिया, दो हेडशॉट दिए डीपी के, पर यार डीपी ने यहाँ पे काम नहीं किया, लेवल 3 हेलमेट था, डीपी बहुत ओपी गन है यार, तुम लोगों ने देखा ना डीपी से मैंने क्या तहलका मचा दिया वहाँ पे। तो डीपी बहुत ओपी गन है यार, तो बस क्या कहूँ, कहूँ ही क्या, बस बस लेवल 3 पे यहाँ पे धोखा दे दी। पर हेल्थ तो उसकी 1 HP रखी है, तो बस मुझे पता था कि हेल्थ तो उसकी 1 HP है एंड वो अभी हील ही करेगा बेचारा, तो बस मैंने रश कर दिया एंड उसी बीच नेट करके एक बंदा मैंने नॉक कर दिया। तो बस ऑलवेज नेट करके ही जाना, घर में जाना रश करना हो तो। और जैसे यहाँ पे मुझे फर्स्ट एड की आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि चलो भाई बंदा फर्स्ट एड कर रहा है तो उसे पूरा ही हम लोग लॉबी में पहुँचा देते, उसको पूरा ही फर्स्ट एड करा देते, तो करा दिया हम लोगों ने। और बस यहाँ पे हो चुके हमारे 14 किल एंड मतलब घुस घुस के दिया हूँ यार, मतलब ऐसा छुप छुप के ऐसा नहीं खेला हूँ, तुम लोगों ने देखा गेम प्ले में। तो बस लाइक कर देना यार, बस यही उम्मीद है आप लोगों से कि इतनी लेट नाइट बना रहा हूँ, अभी 12th है पर फिर भी लेट नाइट बना रहा हूँ, तो यार बस लाइक ठोक देना एंड सब्सक्राइब कर लेना यार बंदे का चैनल, तो अपना ही भाई है। तो ये देखो यार यहाँ पे अब मैं बढ़िया छुप गया था घास में क्योंकि यार जोन देखो कितना सा बना है, बचे हैं 3, 3 में से 1 में, एंड एक बंदा जो कि मेरे पीछे की तरफ था एंड वो स्पॉटेड हो चुका था, उसको मैं स्पॉट हो चुका था एंड वो आ रहा था मेरी तरफ एंड मैंने आते आते उसे दे दिया। मतलब यार बस थोड़े से मैं बचा हूँ यहाँ पे, बस एक गोली अगर लगती थी ना मैं 100% गया था, एक ही गोली में बस डीपी थी यार उस पर, तो ये तो ठीक है यहाँ पे तो मैं बच गया आसानी से। एंड यहाँ पे इसके बाद ये देखो इसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ बंदा है, ये देखना अभी मैंने उसे बम डालने की कोशिश किया पर बंदा जो है तो इधर साइड आ गया राइट साइड पे। तो राइट साइड पे आ जाने के बाद मुझे तो पता चल चुका था कि वो राइट साइड पे है, तो चलो अब उसे थोड़ा सा मारने की ट्राई करते हैं, मुझे लगा कि वो वहाँ पे, पर देखो वहाँ पे नहीं मरा वो, देखो यहाँ पे भी मैं मार रहा हूँ तो नहीं मर रहा है। तो देखो यार अब मुझे कन्फर्म नहीं पता है कि वो लोग वो राइट साइड पे किस तरफ है, पर मुझे पता है कि वो राइट साइड पर, कन्फर्म नहीं पता है कि वो है कहाँ पे, ठीक है। तो बस उससे बस मैं अंधाधुंध प्री फायर करूँगा एंड देखो बस ये होता है गाइस, अगर आप प्री फायर करते रहोगे, आपको अगर बंदा कन्फर्म पता है कि वो राइट साइड पे है तो उसी तरह प्री फायर करते रहना। मैं 200 गोलियाँ लेके गया था यार, 200 गोलियाँ क्या करूँ 200 गोलियों का मैं, तो बस प्री फायर किया एंड मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। तो मज़ा आ गया यार इस वाले गेम प्ले में खेलते हुए, ये वाला गेम प्ले बहुत ही खतरनाक रहा एंड तुम लोगों ने देखा यार बंदे भी तगड़े वाले आए थे, बंदे भी ऐसे कोई नूबड़े नहीं थे, जो कि उन्होंने देखा था मेरे आधे से ज़्यादा वो लोग मेरी हेल्थ जो है तो खा चुके थे। तो गाइज़ आज की इस वाली वीडियो में यही कि गाइज़ आप लोग बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आप लोगों में कि आप फेल सकोगे सामने वाले को, बस एंड घुस जाना है गाइज़, ठीक है। एंड जो चीज़ें मैंने अच्छी चीज़ें जो की, मतलब जो सारी चीज़ें मैंने की, मतलब नेट डाला, प्री फायर किया और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें की इस वाले वीडियो में जो कि मैंने पहले बता दिया हूँ, तो बस ये चीज़ आप लोग ट्राई करो एंड सारी चीज़ें कर लो, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस यही फॉर्मेलिटीज बचिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, नीचे कमेंट जरूर जरूर कर दो एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना गाइज आप लोग, एंड वहाँ पर मुझसे बस बातचीत सवाल जवाब कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड टिकटॉक विकटॉक भी है, वो रद्दी चीज़ है मेरे पास टिकटॉक विकटॉक, तो वहाँ पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही, अगर आपको पेटीएम से डोनेट करना है तो पेटीएम नंबर भी नीचे दिया हो। तो आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सो जय हिंद, वंदे मातरम।